तो मित्रों, स्वागत है आपका टॉप यूनिक और क्लेवर स्टार्टअप्स की एक और नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे और भी नए स्टार्टअप्स की जो कि वाकई में यूनिक और चालाक हैं, जो समझ पाए कि जनता को क्या चाहिए और जनता उनसे क्या मांग रही है। अगर आपने इस सीरीज के और वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में उनका लिंक तो मिल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में जो स्टार्टअप्स आपको मैं बताने वाला हूं, वो उनका आइडिया जो है वो वाकई बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो इस वीडियो को बीच में कभी भी मिस मत करना, क्योंकि यहां सारे के सारे आइडियाज बिल्कुल यूनिक हैं। तो क्या है ये स्टार्टअप, कैसे काम करते हैं, वो तो हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर बजा दें। मार्केटिंग केस स्टडी, टॉप स्टार्टअप लिस्ट की वीडियोस देखना आपको अगर पसंद है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी लिस्ट की तरफ। दोस्तों, हमारी लिस्ट के 6वें नंबर पर आता है एलओई सेल। जैसा कि हम इनके नाम में ही देख सकते हैं, एलओ यानी एलोवेरा और ई सेल यानी इलेक्ट्रिसिटी सेल। अब एलोवेरा और इलेक्ट्रिसिटी में क्या मेल है वो आम जनता को समझ में नहीं आता जब तक ये स्टार्टअप मार्केट में नहीं आता। दोस्तों, एलओई सेल दुनिया का पहला 100% इको फ्रेंडली बैटरी मैन्युफैक्चरर है। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि एलोवेरा जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है करंट को, पावर को, जो बैटरीज में डाली जा सकती है। और इन्होंने उन बैटरीज को पीछे छोड़ दिया है जो कि हार्मफुल मेटल्स से बनती है, यानी कि लेड और मरकरी जैसे ड्राई सेल। उत्तर प्रदेश की लड़की और राजस्थान के लड़के ने मिलकर एलोवेरा को इस तरीके से यूटिलाइज किया है उसके पार्टिकल्स को कि वो बन चुका है एक नेचुरल शेप जो कि प्रोड्यूस कर सकता है एनर्जी ई सेल के जरिए, यानी एक 100% इको फ्रेंडली बैटरी आपको देखने को मिलेगी। और आपको दोस्तों इस बात पे भी गर्व होना चाहिए कि ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया स्टार्टअप है। और उससे भी मजे की बात ये है कि ये बैटरीज आर 10% cheaper and 1.5 times more durable than existing batteries. और दोस्तों, ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो टॉप 8 स्टार्टअप्स में आया है पूरे वर्ल्ड के अंदर इनोवेशन समिट स्पेन में जहां होता है। दोस्तों, इसी बात पे अगर ये आइडिया आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो यहां तक देखा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टार्टअप की तरफ जो की है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस एक ऐसा इंडियन स्टार्टअप है दोस्तों जो की पूरी तरह एक 3D प्रिंटेड रॉकेट आप कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट जो की 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाया जा सकता है, जिसके इंजन से लेकर नेविगेशन बाहर तक बन सकते हैं 3D प्रिंटिंग के जरिए। ये स्टार्टअप दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ था 27 सितंबर 2020 में ही, और इनके इंट्रोडक्शन में बताया गया कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट 100% 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ये हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप स्काईरूट लॉन्च किया था उन लोगों ने जो कि इसरो में भी काम करते थे, यानी पवन कुमार चंदाना नागा, भरत ढाका, वासुदेवन, गनाना गांधी, जिनकी ये होप थी कि एक ऐसा लॉन्च हो, एक ऐसा रॉकेट हो 2021 में बनके तैयार जिसकी कॉस्ट आम रॉकेट से बहुत ही ज्यादा कम हो। क्या दोस्तों आपको लगता है 3D प्रिंटिंग से रॉकेट बनेंगे और स्पेस में जा सकेंगे मिशंस को पूरा करने, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टार्टअप की तरफ, टॉप 4 की तरफ। टॉप 4 पे आता है दोस्तों C6 एनर्जी। शायद आप C6 के नाम से ही समझ गए होंगे कि एक ऐसा यूनिक स्टार्टअप है दोस्तों जो यूज करता है बाउंडलेस कैपेबिलिटीज जो कि सी के अंदर होती है फुल्ली रीजनेबल और लेजिटिमेट मैनर में। दोस्तों, ये स्टार्टअप फुल्ली फोकस करता है कि कैसे हम सी के बायोमास को बायोफ्यूल, प्लांट ग्रोथ एनर्जाइजर्स, प्लांट सेफगार्ड आइटम्स, एनिमल फीड इंग्रेडिएंट्स और ऐसे बहुत से बायो इनएग्जॉस्टेबल आइटम्स में कन्वर्ट कर सकें। और अगर दोस्तों और आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो C6 काम करता है कि कैसे हम सी के अंदर के बायोमास को फूड, फ्यूल और फीड के लिए इस्तेमाल कर सकें। C6 एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जो कि एस्टेब्लिश किया था IIT मद्रास के कुछ ग्रेजुएट ने, और ये स्टार्टअप होप कर रहा है दोस्तों जल्द ही उठा सकता है $10 मिलियन तक के फंड्स रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। तो दोस्तों, पसंद आ रहा है ये चैनल के वीडियोस तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते आप। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले स्टार्टअप की तरफ जो कि है फूड क्लाउड। एक ऐसा स्टार्टअप जो कि यूनिक भी है और सिंपल भी है। फूड क्लाउड जो है वो प्रोवाइड करता है होम कुकिंग सर्विसेज, जहां आप घर पे, अपने घर पे प्रोफेशनल शेफ्स को बुला के अच्छी खासी डील में उनसे खाना बनवा सकते हैं और डिफरेंट वैरायटीज की आपको मेनू गारंटीड आपको बना के देंगे। वो आप बड़ी आसानी से फूड मेकिंग एक्सपर्ट्स को फोन कर सकते हैं और वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको क्या सामान लाना है उस हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट है। फूड शेफ की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2020 सितंबर में। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अपने टॉप 2 की तरफ। उनमें से सेकंड पे आता है दोस्तों नीरमाई। हम सभी को पता है दोस्तों कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो वन ऑफ द हाईएस्ट कैंसर डेथ्स में से एक है वुमेन्स के अंदर। और आज की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम अर्ली डिटेक्ट नहीं कर सकते
सकते कि कैंसर कब होगा, कैसे होगा, कितने टाइम तक होगा। लेकिन उसके लिए भी दोस्तों अब एक स्टार्टअप है नीरमाई, जो कि यूज करता है टेक्नोलॉजी का इस काम के लिए। और दोस्तों ये पूरा मेड इन इंडिया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। नीरमाई एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने ऑटोमेटेड डायग्नोस्टिक टूल बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से। गीता मंजुनाथ जो कि सीईओ है इस स्टार्टअप की, बेंगलुरु बेस्ड ये स्टार्टअप है। गीता एक पीएचडी साइंटिस्ट है जिनके पास 25 साल का अनुभव है आईटी रिसर्च साइंस के अंदर। गीता बताती हैं कि ये एक रिसर्च स्टार्टअप है जो कि आंसर आपको निकाल के दे रहा है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और कब सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक जरूर बनता है, और अगर ये वीडियो आपको वाकई में यूनिक लग रहा है तो उसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो बढ़ते हैं दोस्तों आप अपने टॉप वन की तरफ। लास्ट स्टार्टअप है दोस्तों, लेकिन कम नहीं है ये उनसे, यूनिक ये भी है, जहां पर आपको रोबोट्स खाना सर्व करेंगे। ये एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप है जिनके बारे में आपने हमेशा अपने सपनों में सोचा जरूर होगा कि मैं एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलूं जहां पर रोबोट्स सर्व करें कस्टमर्स को। सच बताइएगा दोस्तों, आपने कभी इमेजिन की है ये चीज? क्योंकि मुझे लगता है कि 80% लोगों ने जरूर की होगी, करी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। लेकिन ऐसा ही एक स्टार्टअप है दोस्तों, रोबोट रोबोट जिसको पहले जाना जाता था मोमो के द्वारा, और इस स्टार्टअप को दोस्तों एस्टेब्लिश करने वाले हैं वेंकटेश राजेंद्रन और कार्तिक कनन। और इस स्टार्टअप के दोस्तों चार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइलाइट्स हैं रोबोट्स की, जो काम करते हैं एक वेटर की तरह। और दोस्तों ये स्टार्टअप इंडिया का पहला रोबोट थीम रेस्टोरेंट स्टार्टअप है। जी हाँ, हम तो सिर्फ सोचते ही रह गए और करने वाले काम कर गए। रोबोट्स को एक एज अ वेटर बनाना वो तो एक बहाना है, लेकिन ये अपने कस्टमर्स को एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर जो कि आने वाले सालों में कुछ ऐसी दिखाई देगी, वो एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को। और दोस्तों दुनिया में ही बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जो वेटर्स को एज अ रोबोट, या यूं कहें रोबोट को एज अ वेटर रखते हैं अपने रेस्टोरेंट के अंदर। दोस्तों ये भी एक बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है। कार्तिक कनन का एक थॉट जो कि था, इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इट्स नो लॉन्गर जस्ट अबाउट द फूड, द एक्सपीरियंस मैटर्स। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ यूनिक लगा है, कुछ आइडियाज जो है वो वाकई अगर चालाक लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी वीडियोस देखनी पसंद है तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।